नमस्कार, मैं NTR आप लोग का अपने YouTube चैनल NTR मैथ्स में स्वागत करता हूं। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने नंबर सिस्टम और अनुपात एवं समानुपात यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा थर्ड टॉपिक होने वाला है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। ठीक है, कौन सा टॉपिक है हमारा आज का जो टॉपिक होने वाला है? ये हमारा कार्य एवं समय, इंग्लिश में इसको बोलते हैं टाइम एंड वर्क। ठीक है, कार्य एवं समय, टाइम एंड वर्क। इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए होंगे, जैसे कि दो वीडियो में आप लोगों को पहले ही पता हो चुका होगा दो टॉपिक में कि रेशियो एंड प्रोपोर्शनल और नंबर सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन आए थे इससे प्रीवियस ईयर में, सारे के सारे मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब बारी है टाइम एंड वर्क की, इसको भी हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे बिल्कुल एक यूनिक तरीका से, बेस्ट तरीका से। जो बच्चे कंटिन्यू देख रहे होंगे तो समझ में आ ही रहा होगा, जो नए हैं तो उनको मैं एक रिकमेंड करना चाहता हूँ कि बिल्कुल ही स्टार्टिंग से देखिए, फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट कीजिएगा, उसके बाद सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे होते देखिएगा, आपको पूरा का पूरा टॉपिक बिना पढ़े हुए भी आपको समझ में आएगा जिस तरह से मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अगर एक दो क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा ओड लगे कोई बात नहीं, कंटिन्यू देखिए, कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ऐसा होगा जो समझ में आएगा। एक क्वेश्चन में समझ में आया तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे, इतना विश्वास कीजिए मैं ऐसा पढ़ाऊंगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो आज का है आपके सामने आ गया होगा। ठीक है, ए एक काम को 18 दिन में, बी इस काम को 36 दिन में पूरा करता है। यदि वे 9 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं तो कितना प्रतिशत काम शेष बचेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो देखिएगा लिखने का तरीका और बनाने का भी तरीका सीख लीजिएगा कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे ए, ए किसी काम को बोल रहा है 18 दिनों में, तो यहाँ लिख दूँ मैं 18 डेज। बी भी काम में शामिल है तो बी कितना दिन में कर रहा है, बी कर रहा आपका 36 दिन में। ठीक है, 36 दिनों में। अब क्या कर रहा है, 18 दिन और 36 दिन का आपको एलसीएम ले लेना है। 18 36 का एलसीएम हो गया 36 ही होगा। अगर 36 काम हो, ये आपका होता है टोटल वर्क, ये जो होता है आपका क्या होता है टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क। ठीक है, अगर 18 दिन में 36 काम करने हैं तो हर रोज़ कितना काम करना पड़ेगा, 2 यूनिट पर डे काम करना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसी प्रकार अगर 36 दिन में 36 काम करने होंगे तो एक यूनिट पर डे का आपको काम करना पड़ेगा, है कि नहीं भाई, एक यूनिट पर डे का। आपसे क्या कहा है कि 9 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, अगर दोनों साथ मिल जाए तो ए कर रहा है 2 यूनिट काम, बी कर रहा है आपका 1 यूनिट काम, अगर दोनों के दोनों साथ हो जाए तो 2 और 1 3 यूनिट पर डे का काम होगा, और ये 3 यूनिट पर डे का काम कब तक हो रहा है, तो आपका हो रहा है 9 दिनों तक, यानी कि 3 यूनिट पर डे का काम जो है 9 दिनों तक चल रहा है, यानी टोटल काम कितना होगा 9 या 27 यूनिट। ठीक है, यानी जो आपने जॉब डन किया है, डन वर्क जो है आपका वो हो जाएगा कितना 27 यूनिट। ठीक है, 27 यूनिट डन वर्क है। आपसे क्या पूछा है, तो कितना प्रतिशत काम शेष बचा बताइए, अगर 36 काम है 27 काम कंप्लीट कर लिए हो तो रेस्ट वर्क कितना बचा होगा आपके पास, रेस्ट वर्क कितना बचा, 36 माइनस में 27 कर दीजिएगा, ये 9 यूनिट काम अभी भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। आपसे पूछा है प्रतिशत में बता रहा है कि कितना प्रतिशत बचा है, तो जो आपका 36 है, ठीक है ना, 9 36 में से 9 काम बचा हुआ है, प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर दीजिए, ये आपका जाएगा 9 चौका 36, 4 से गया 25 बार में, यानी कितना आ गया 25% आपका काम क्या हुआ है, बचा हुआ है। ऑप्शन मैच कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, सारे के सारे एक ही टाइप से मैं बताऊंगा, सब चीज़ समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तब तक क्वेश्चन पढ़िए, खुद से करने की कोशिश कीजिए, बन जाए तो ठीक, नहीं तो आगे देखते रहिए। लाइट का इशू होने के कारण एक दिन पहले का जो वीडियो है, एक दिन गैप हुआ है वीडियो में, इसके लिए सॉरी। कंटिन्यू वीडियो मैंने जैसे कहा था, कंटिन्यू वीडियो मिलेगा ही मिलेगा आपको, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ जाए टेक्निकल चीज़, तो उसके लिए सॉरी मैं पहले से बोल दे रहा हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आज भी लाइट का इशू है फिर भी काम चल रहा है, गर्मी तो इतना है कि मत पूछिए। ठीक है, फिर भी आपके लिए मैं कर रहा हूँ। दो नंबर क्वेश्चन चलते हैं, यानी कि सॉरी सेकेंड नंबर क्वेश्चन, कि अमर एक काम को 30 दिनों में पूरा करता है, तो हम लिखते हैं अमर, आप चाहो तो अमर के लिए शॉर्ट फॉर्म ए भी लिख सकते हो। अमर जो है आपका काम कितना दिन में पूरा करता है, 30 दिनों में पूरा करता है। आगे पढ़िएगा, रमन जो है आर ए
एम एन, आप चाहो तो रमन के लिए आर डिनोट कर सकते हो। रमन जो है आपका 15 दिनों में काम को पूरा करता है, 15 डेज, ठीक है 15 डे। यदि दोनों मिलकर कार्य करें, दोनों क्या होता है साथ काम करते हैं, तो चार दिनों में कुल कितना प्रतिशत काम पूरा होगा। काम इस बार पूरा होने के लिए पूछा है, वही रूल लगाइए, 30 और 15 का एलसीएम निकालिए कितना आएगा 30। ये जो होता है आपका टोटल वर्क होता है, हमेशा इस बात को आप याद रखोगे, जो आप एलसीएम निकालते हो क्या होता है आपका टोटल वर्क। अगर 30 दिन में काम करना है, 30 काम को हर रोज कितना करेगा, एक यूनिट काम करेगा, तो एक यूनिट पर डे। ये जो यहाँ पर होता है ये आपका कैपेसिटी होता है, ठीक है ना, ये आपका क्षमता है, काम करने का क्षमता, कि आप एक दिन में कितना काम करोगे तो एक काम करोगे। जो 15 दिन में काम खत्म कर रहा है तो 30 में 15 से डिवाइड लगाइएगा, दो यूनिट पर डे का काम करोगे, ठीक है दो यूनिट पर डे का। जब दोनों साथ मिल जाएगा तो अमर कहेगा कि मैं एक यूनिट कर रहा हूँ, रमन कहेगा मैं दो यूनिट कर रहा हूँ, तो एक और दो मिलकर तीन यूनिट पर डे का हो जाएगा। काम को कितना दिन बुलाया करने के लिए, बुलाया चार दिन में कुल कितना काम खत्म होगा, तो एक और दो जोड़िएगा कितना आ जाएगा, तीन यूनिट पर डे का, चार दिनों तक काम करवाएगा तो चार से इसमें गुना कीजिए, तीन चौका 12 यूनिट, ठीक है कितना काम कंप्लीट हुआ 12 यूनिट। अगर इतना था डन वर्क जो आपका हो जाएगा, डन वर्क कितना हो जाएगा 12 यूनिट, ठीक है। लेकिन 30 में से 12 गया आपका, तो 30 में से 12 का मतलब 12 डिवाइड में 30 कर दीजिए, कि 30 में से 12 काम क्या हुआ कंप्लीट हो चुका है। परसेंटेज में आपको पूछा है तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक सुना से एक सुना जाएगा, तीन चौका 12 गया, चार में 10 से गुना करोगे 40% काम आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है इतनी सी बात है। ऑप्शन मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन जो आपका होगा कितना नंबर ऑप्शन जाएगा देखिए जरा, सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हर एक वीडियो में 10 से 12 क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको भी ओड ना लगे, और सारे के सारे एक टाइप्स के ही होंगे, तो लिंक तो होगा ही होगा, जैसे कि परसेंटेज के लिए एक बचा हुआ काम के लिए पूछ लिया और एक कितना काम हो चुका है उसके लिए पूछ दिया, ये तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अगला टाइप, कि एक काम को 36 दिन में करता है, आपके सामने क्वेश्चन आ ही रखा होगा, पढ़ते चलिए और यहाँ पर लिखते चलिए, कि एक काम को 36 दिनों में, आप चाहो तो इसका नोट्स भी तैयार कर सकते हो, बिल्कुल एक यूनिक तरीका रहेगा, आप आसानी से समझ जाओगे। बी उसी काम को 12 दिन में, है ना 12 दिन में करता है, 12 दिनों में करता है, ठीक है। अगर वे इस काम को एक साथ मिलकर करें तो वे कितने दिनों में काम को पूरा कर लेंगे, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ दिया है। तो 36 और 12 का एलसीएम निकाल लीजिए, 36 होगा ये आपका टोटल वर्क हो जाएगा, 36 दिन में काम करना है 36 यूनिट ही, तो एक यूनिट हर रोज का कर लेगा ये, ठीक है एक यूनिट हर रोज का, और ये आपका जाएगा 12 दिन में काम करना है तो 12 ये 36 तीन यूनिट हर रोज का। अगर ये दोनों साथ मिल जाएंगे तो कितना यूनिट काम होगा, चार यूनिट हर रोज का, ठीक है चार यूनिट हर रोज का। काम कितना खत्म करना है दोनों को मिलके, 36 काम खत्म करना है, तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा ए और बी को, टोटल टाइम किसके लिए, तो ए और बी के लिए, तो 36 काम पूरा करना है दोनों जब मिल जाएगा तो चार की स्पीड से करेगा, काट दीजिए 9 चौका 36 जाएगा, यानी कि 9 दिनों में काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन मैच करते चलिएगा, बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, आपके सामने आ चुका होगा, कि ए बी तथा सी किसी काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं, बी तथा सी उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो ए बी सी बोला है, तो ए प्लस में बी प्लस में सी, ये कितना दिन में काम को पूरा कर रहा है 15 दिनों में, तो 15 डे, ठीक है। बी तथा सी, तो बी तथा सी जो है कितना दिन में पूरा कर रहा है, तो 20 दिनों में पूरा कर रहा है, तो 20 डे, ठीक है। ए अकेला कितना दिन में पूरा करेगा ऐसा पूछती है आपसे, ठीक है। दोनों का फिर से वही कॉन्सेप्ट, एलसीएम निकालिए, 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है, 15 और 20 का एलसीएम होता है 60, 60 करोगे यहाँ पर 15 चौका 60, 4 यूनिट पर डे का करेगा ये काम हर रोज का, ये आपका टोटल वर्क हो जाएगा, 20 दिए 60, 3 यूनिट पर डे का, ठीक है। ए कितना दिन में करेगा आप बताइए, कि जब बी और सी मिल के तीन कर रहा है, बी और सी मिल के कितना कर रहा है तीन कर रहा है, तो यहाँ पर भी बी और सी के बात किया गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा, लेकिन टोटल बोला गया है ए बी सी के लिए चार है, तो आप ही बताइए ए जो इसके पास एक्स्ट्रा है और बी सी बोल रहा है कि मैं तीन यूनिट अकेले का काम कर रहा हूँ, तो ए कितना करेगा इसमें यू, क्योंकि चार ही चाहिए था इसको, दोनों तीनों मिलकर चार ही करेगा, तो दो अकेले बोल रहा है तीन, तो इसके पास कितना जाएगा एक,
इसका मतलब ये निकला कि ए का जो काम करने का रेट होगा वो एक यूनिट पर डे का होगा, ठीक है, क्योंकि ए बी सी तीनों मिल जाता है तो चार यूनिट काम करता है। ए बी सी अगर तीनों मिल जाए तो चार काम करते हैं, लेकिन नीचे वाले पोर्शन बोल दिया कि बी और सी जब काम करते हैं तो दोनों मिलकर तीन काम करते हैं, ठीक है। तो ए कितना काम करेगा, अकेले एक यूनिट काम करेगा। अब यही पूछा है कि अगर एक यूनिट पर डे काम करेगा तो ए को पूरा काम को ख़त्म करने में कितना समय लगेगा, यानी ए के द्वारा लगा टाइम कितना होगा, एज टाइम। तो 60 वर्क करना है, एक यूनिट के हिसाब से कैंसिल होगा, 60 ही रहेगा और ये आपका 60 दिन में पूरा कर लेगा, ठीक। ऑप्शन मैच कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा इसका। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारे के सारे एक ही कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, आपको जरूर समझ में आएगा और आएगा ही आएगा, कन्फर्म है। अगर ये आप अच्छे से समझ गए तो पाइप एंड सिस्टम्स इसके बाद ही मैं स्टार्ट करूंगा, वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों को दोनों एक ही कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट पढ़िएगा, पी क्यू तथा आर मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। पी क्यू तथा आर, तो पी है, क्यू है और आर के बारे में काम बोला है, तो पी क्यू आर 20 दिनों में, तो 20 लिख लीजिए यहाँ पर 20 दिनों में, ठीक है। पी अकेले 40 दिनों में, पी जो है आपका अकेले 40 दिनों में, ठीक है। उसके बाद कहा है क्यू 60 दिनों में, क्यू जो है आपका 60 दिनों में काम करता है, ठीक है। तो आर अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है आर के बारे में। 20 40 60 का एलसीएम निकाल लो, कितना का 120 आएगा, 120। अगर 120 टोटल वर्क है, 20 दिन में काम करना है तो 6 यूनिट पर डे का करेगा, क्योंकि 20 छका 120, हम लोग क्या करते हैं बेसिकली 120 में 100 भाग लगा देते हैं, ठीक है। तो 6 यूनिट पर डे का, अगर 40 दिनों में काम करना है 120, तो 120 में 40 से डिवाइड लगाओगे कितना आएगा, ये आपका आएगा 3 यूनिट पर डे का। एंड लास्ट में 60 डे में काम करना है तो डिवाइड लगाओगे 2 यूनिट पर डे का आएगा, ठीक है। आप ही बताइए यहाँ पे कि पी जो है, पी के लिए कितना हो गया 3, तो आप यहाँ पे 3 पुट कर दो, 3। क्यू के लिए कितना हो गया 2, तो क्यू के लिए 2 पुट कर दो। अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है कि पी क्यू आर मिलके 6 कर रहा है, पी क्यू आर मिलके कितना कर रहा है, 6 कर रहा है, जबकि यहाँ पर पी और क्यू ऑलरेडी 3 और 2 लेके फिक्स हो गए, हमें चाहिए कितना 6 चाहिए, तो 3 और 2 फिक्स हो चुके हैं, तो सिर्फ एक ही बचा आपका, तो एक के लिए किसके लिए होगा, आर के लिए होगा। तो यहाँ पे ये बात निकला कि आर का जो स्पीड होगा वो एक यूनिट पर डे का होगा, ठीक है। अगर आर का स्पीड एक यूनिट पर डे का है, टोटल काम कितना है 120 है, तो उसको आर को टाइम कितना लगेगा, आर्स टाइम, 120 काम करने के लिए एक यूनिट पर डे के हिसाब से जोड़ लगाएगा, तो 120 दिन ही लग जाएगा उसको, हर रोज एक एक यूनिट करते 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 120 के पास पहुँचेगा, 120 यूनिट, ठीक है। तो उसका आंसर कितना होगा, 120 दिन। देखिएगा ऑप्शन मैच कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा कि एक्स वाई तथा जेड, एक्स वाई तथा जेड है, तो एक्स वाई तथा जेड क्रमशः, तो एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है, तो एक्स जो है काम को कितना दिन में कर रहा है आपका, क्वेश्चन दे रखा है 15 दिन, 45 दिन और 90 दिन, तो एक्स आपका 15 दिनों में, वाई आपका 45 दिनों में और जेड जो है आपका 90 दिनों में काम को पूरा करता है, ठीक है। तीनों मिल जाए, अगर एक्स वाई जेड मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ऐसा पूछा है आपसे। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, 15, 45 और 90 का आपको एलसीएम लेना है, कितना आएगा 90 आ जाएगा, 90 जो होगा आपका टीडब्ल्यू हो जाएगा, यानी टोटल वर्क हो जाएगा। अगर 90 काम करने के लिए 15 दिनों में काम करना है तो 6 यूनिट पर डे का, इसमें डिवाइड लगा देंगे 90 में 6 से, तो 6 यूनिट पर डे का, 6 यूनिट पर डे। उसी प्रकार 45 है तो 45 दूनी 90, 2 यूनिट पर डे का, 90 दिनों में करना है तो 1 यूनिट पर डे का, है ना। अगर तीनों को एक साथ काम के लिए लगा दिया जाए तो 6 और 2 8 और 1 9, तीनों अगर एक साथ हो जाए, तीनों अगर एक साथ हो जाए तो कितना आएगा, 9 यूनिट पर डे का काम करेगा।
अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करना स्टार्ट करेगा तो 90 के काम को कितने दिन में करेगा? तो एक्स वाई और जेड के लिए जो टाइम होगा, यहाँ पे एक्स वाई और जेड के लिए जो टाइम होगा वो कितना होगा? 90 डिवाइड बाई 9, ये कैंसिल होगा, कितना आएगा? 10, यानी कि 10 दिनों में काम को वो निपटा देगा। है भाई, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। देखिएगा ऑप्शन मैच कर लीजिएगा, 10 दिन कौन सा दे रखा है आपको? ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा तब तक, और बनाने का खुद से कोशिश करिए कायद क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ। गर्मी बहुत ही चरम सीमा पे है अपने, आज अपना पावर दिखा रहा है गर्मी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा कि यू भी तथा डब्लू मिलकर किसी काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं। U है, V है और W है, तो U प्लस V और प्लस में W तीनों मिलकर किसी काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, लिख दिया मैंने 15 दिनों में पूरा करते हैं। U अकेले 60 दिनों में करता है, तो U अकेले 60 दिनों में करता है। ठीक है, V तथा W मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? दोनों साथ मिल जाए तो कितने दिनों में? दोनों का एलसीएम लीजिएगा, 60 ही रहेगा, ये आपका 4 यूनिट पर डे का हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका 1 यूनिट पर डे का हो जाएगा। आप ही बताइए कि अगर U के लिए कितना गया है? 1 गया है। U के लिए कितना गया है? 1 गया है, तो U के ऊपर 1 लग दीजिएगा। U भी W मिलके 4 काम कर रहा है, U भी W मिलके कितने काम कर रहे हैं? 4 काम कर रहे हैं, और जिसमें U अकेले 1 काम कर रहा है, तो ये दोनों कंबाइंड रूप से कितना करेंगे? 4 में से घटा दीजिएगा तो 3 काम करेगा, है ना। यू भी कितना करेगा? वी डब्ल्यू 3 काम करेगा। यही पूछा है कि वी और डब्ल्यू का जो काम करने का स्पीड होगा यही 3 मिनट पर डे का स्पीड हो जाएगा, है ना, 3 मिनट पर डे का स्पीड हो जाएगा। इसको करना है 60 काम, इसको कितना करना है? करना 60 काम। तो वी प्लस डब्ल्यू का जो टाइम लगेगा करने के लिए, इसका जो टाइम लगेगा टोटल, तो 60 डिवाइड बाई 3 कर दीजिए, कैंसिल होकर कितना आएगा? 20 दिनों में ये काम को कंप्लीट कर देगा दोनों मिलके। ठीक है, यही पूछा है कि दोनों मिलके कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगा? 20 दिनों में। ऑप्शन मैच कीजिएगा, बी जाएगा। बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा कि अमन तथा रमन मिलके, अमन बोला है और रमन बोला है, तो अमन के लिए अमन लिख दीजिए, अमन प्लस में रमन। अमन तथा रमन मिलके किसी काम को कितना दिनों में? 30 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, अमन तथा रमन मिलके काम को 30 दिनों में पूरा करता है। रमन तथा मनन है, फिर से क्या आ गया? रमन तथा मनन, तो रमन आप चाहो तो इसके लिए शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हो, और एक आपका है मनन, ये काम को कितना दिन में कंप्लीट करता है? तो 36 दिन में कंप्लीट करता है। एक और दे रखा है कि मनन तथा अमन, मनन तथा अमन, तो लास्ट में फिर से मनन तथा अमन जो है काम को 45 दिनों में कंप्लीट करता है, 45 डेज। ठीक है, पूछा क्या है? तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तीनों मिलकर सबका एलसीएम ले लीजिए, 30, 36, 45 का एलसीएम कितना होगा? 180 हो जाएगा। ये जो होगा आपका पूरा पूरी क्या होगा? टोटल वर्क TW हो जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क इतना काम करना है। अगर 30 दिनों में काम पूरा करना है तो 180 में 30 से डिवाइड लाओगे, पर डे का कितना आएगा? 318, यानी कि 6 यूनिट पर डे का आएगा, 6 यूनिट पर डे का हो जाएगा। अगर 36 से डिवाइड लाओगे 180 में, 5 यूनिट पर डे का आ जाएगा, 36 × 5 = 180 होता है, तो 5 यूनिट पर डे का। उसी प्रकार 45 से लगाओगे तो 4 बार में कटेगा, 4500 × 180, तो ये हो जाएगा आपका 4 यूनिट पर डे का। ठीक है, अगर आप तीनों साथ को मिला दो तो देखोगे कि अमन यहाँ भी एक है, अमन यहाँ भी एक है, तो दो अमन हो जाएंगे,
दो अमन हो जाएंगे, रमन यहाँ भी है, रमन यहाँ भी है, तो दो रमन भी हो जाएंगे, तो दो ब्रैकेट में कॉमन लेता हूँ मैं, रमन के लिए भी दो हो जाएगा, ठीक है। और मनन भी देखिए यहाँ पे दो है दे रखा, तो एक मनन में भी सिर्फ दो कॉमन ले लेते हैं, तो मनन मनन हो जाएगा, ठीक है। अगर अमन, रमन और मनन दोनों के लिए दो दो है, तो आप बताइए कि जब इसको भी ऐड कीजिएगा तो 6, 4, 10 और 5, 15, इसके लिए कितना आ जाएगा, 15 यूनिट पर डे का जब सबको जोड़िएगा, तो इधर से भी इसको जोड़ लीजिए, उधर से भी इसको जोड़ लीजिए, काम करने का कैपेसिटी को ऐड कीजिएगा, तो पता चला क्या कि दो अमन दो रमन और दो मनन मिलके 15 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, 15 यूनिट पर डे का काम करते हैं, कंप्लीट नहीं करते, 15 यूनिट पर डे का काम करते हैं। तो एक अमन, एक रमन और एक मनन काम को कितना दिन में करेंगे, तो 15/2 यूनिट पर डे का हिसाब से काम करेंगे वो, ठीक है। दो चला गया नीचे, अब इतना की स्पीड से करना कितना काम है, 180 काम। तो रमन और मनन को टाइम कितना लगेगा, सबका शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। टाइम कितना लगेगा इसको, हैं, तो टाइम कितना लगेगा, 180 काम करना था, 15/2 के हिसाब से काम करेगा, क्रॉस गुना हो जाएगा, ये दो चला जाएगा ऊपर, दो गया ऊपर, नीचे आपका कितना रहेगा, 15 को 12 बार में काटिएगा, 180 कटेगा, तो यहाँ पे 12 होगा, 12 दूनी कितना, तो 24, यानी 24 दिनों में क्या करेगा, रमन, अमन और मनन मिलके काम को खल्लास कर देगा, कंप्लीट कर देगा, ठीक है। आंसर मिला लीजिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर सी जाएगा इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेम टू सेम एक क्वेश्चन मैंने बता दिया, एक क्वेश्चन आप लोग खुद से करके कोशिश करो, सेम टू सेम एक और क्वेश्चन दे रखा है, बस थोड़ा सा उसमें चेंजिंग कर रखा होगा, तो मैं जितना भी टाइप का क्वेश्चन होगा बस उस पर एक या दो वेस्ट मैंने क्वेश्चन करा देना है और आगे बढ़ते रहना है। तकरीबन इस चैप्टर में मैं आपको 250 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, जिसमें सारे के सारे टाइप्स आपको क्लियर हो जाएंगे, कोई भी टाइप नहीं छूटेगा, क्योंकि 250 क्वेश्चन एक अच्छा खासा क्वेश्चन होता है, ठीक है, सबका सब यूनिक क्वेश्चन होगा। देखिएगा नेक्स्ट, विजय है, साहिल है, मिलके काम को करता है कितना दिन में, तो इस पर मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, विजय के लिए मैं भी लिख देता हूँ और साहिल के लिए मैं एस लिख देता हूँ, ठीक है, विजय के लिए भी और साहिल के लिए एस, दोनों जो मिलकर है 40 काम कंप्लीट करते हैं, 40 दिनों में काम करते हैं, ठीक है। साहिल और रंजीत, तो साहिल के लिए फिर से एस, और रंजीत का बारी आया तो मैं इस पर आर करता हूँ, आर फॉर रंजीत, ये आपका 48 डेज में काम को कम्प्लीट कर रहे हैं, 48 डेज। फिर से कहा है क्या कि रंजीत और विजय, इस बार क्या क्या है, रंजीत और विजय, तो रंजीत के लिए आर और विजय के लिए भी, ठीक है। ये काम को कितना दिन में कर रहा है, 60 दिनों में कर रहा है काम को, कितना दिनों में, 60 दिनों में काम को कंप्लीट कर रहा है। तीनों साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ऐसा आपसे पूछ लिया है, ठीक है। अब बताइए, सेम टू सेम पहले वाला क्वेश्चन है, वहाँ पर अमन, रमन, मनन था, यहाँ पर विजय, साहिल और रंजीत है, तीनों का एलसीएम निकालिएगा कितना आएगा, 240 आएगा, 240 यही आपका टोटल वर्क है। अगर 240 को 40 दिनों में करना है तो हर रोज कितना करोगे, डिवाइड लाओगे, तो 4×6=24, 6 यूनिट पर डे का आएगा, ठीक है, 6 यूनिट पर डे का हो गया। 48 से डिवाइड लाओगे, 5 बार में जाएगा, है ना, 5 बार में जाएगा, तो 5 यूनिट पर डे का। और 60 के लिए क्या करोगे, तो 4 यूनिट पर डे का गया, 4 यूनिट पर डे का गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर सबको ऐड करते हो आप यहाँ पे, तो दो विजय हैं, दो साहिल भी है और दो रमन भी है, सब में से दो कॉमन निकाल लीजिए, तो वी एस आर यानी विजय, साहिल और रमन आ जाएंगे। और यहाँ पे करोगे तो 6, 4, 10, 5, 15, फिर से वही बात, 15 यूनिट पर डे का स्पीड हो जाएगा इसका, ठीक है। अगर एक विजय, एक साहिल और एक रंजीत आ जाए, वी एस और आर के लिए पूछा जाए, तो इसका काम करने का स्पीड कितना होगा, 15/2 यूनिट पर डे का स्पीड हो जाएगा कि नहीं होगा, दो से हमने क्या किया, डिवाइड लगाया, इधर भी दो से, इधर भी दो से, आधा आधा कर दिया। अब इस बार काम कितना करना है, इस बार काम करना आपको 240, पिछले क्वेश्चन में जो काम था 360 था, स्पीड यही था, लेकिन इस बार कितना है काम करना, 240, स्पीड यही है। तो टाइम निकालना है इसको, तो वी एस और आर का जो टाइम निकलेगा वो क्या होगा, 240 डिवाइड में लगाना है 15/2, ये दो ऊपर चला जाएगा, 240 गुना में करना है आपको दो और डिवाइड में 15, कितना बार में जाएगा,
पंद्रह अठे बीसा से 120 और 120 का डबल कर दीजिएगा तो 16 बार में गया, ये जाएगा आपका 16 × 32 दिनों में, 16 × 32 दिन में, 32 दिन में काम कंप्लीट कर लेगा ये, टोटल काम खत्म। ऑप्शन मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा इसका, सी नंबर जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, 10 क्वेश्चन करेंगे हर एक वीडियो में, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्या कि ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी किसी काम को 12 दिनों में करता है और सी उसी काम को 15 दिनों में करता है, ए बी सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार हो चुका है, फिर से दे रखा है प्रीवियस ईयर में, ठीक है, 2-3 बार पूछ चुका है आपका। तो ए किसी काम को बोला है 10 दिनों में, बी काम को 12 दिनों में और सी जो है 15 दिनों में, इतना दे रखा है, तीनों मिलकर कितना दिन में करेंगे ऐसा पूछ दिया है। सभी में डे लगा दीजिए, दिनों बोल रखा है दिनों, अगर घंटा बोलेगा तो आवर्स लगा देंगे। सबका एलसीएम निकालिए कितना आएगा, 10 12 15 का एलसीएम कितना होता है, 60 होता है, 60 यूनिट हो गया टोटल वर्क, 60 यूनिट करना है 10 दिनों में कितना आएगा, हर रोज का 6 यूनिट काम होगा, तो यहाँ लिख दीजिएगा आप 6 यूनिट पर डे का 12 दिनों में करना है तो 5 यूनिट पर डे का, ठीक है, और 15 दिनों में करना है तो 4 यूनिट पर डे का जाएगा काम, 4 यूनिट पर डे का जाएगा काम, हर रोज़ कितना काम करेगा, 4-4 काम चलेगा। अगर तीनों साथ मिल रहा है, तीनों अगर साथ मिल रहा है तो बताइए कितना काम होगा, 6, 4, 10, 5, 15, तीनों अगर साथ मिलते हैं तो 15 यूनिट काम एक दिन में निपटा लेंगे, 15 यूनिट काम कितना दिन में, एक दिन में निपटा लेंगे। अगर तीनों साथ मिलकर इस पूरे काम को ख़त्म करने की कोशिश करें तो टाइम कितना लगेगा, तो ए बी सी को जो टाइम लगेगा कितना लगेगा, ये 60/15 4 बार में लगेगा तो 4 दिन में ये काम को निपटाएंगे, ठीक है, 4 दिन में। ऑप्शन जरा मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, डी नंबर ऑप्शन का जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा आज का फर्स्ट टाइप था, फर्स्ट टाइम में जितने भी क्वेश्चन थे, तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन का फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग किया था मैंने। अगर आप इसको देख रहे हो तो अच्छी बात है, इसके बाद कंटिन्यू, यानी कि हर रोज़ आपको वीडियो मिलेगा ही मिलेगा। कभी टेक्निकल इशू हो जाए, लाइट नहीं हो या फिर कुछ ऐसे हो, क्योंकि आंधी तूफान चल रहा है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है लाइट के लिए, और देख ही रहे हो हालत क्या हो गया, भगवान गर्मी के कारण है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको लेकर मेहनत कर रहे हैं तो देखिए। चलिए ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सी यू।